वो अपना आरोप दूसरे पे लगा रहे हैं, आपके कर्मचारी उठा ले जा रहे हैं, इसलिए आपकी परमिशन कैसे ले जाएगी। सुन लो एक बार है ना, वो उनको अपना काम करके लौट आएंगे, कर्मचारी हमारे वापस घर आ जाएंगे। ना आरोप किसी को पलटाना राजाधिकार का नहीं है, उन्हीं एक मिनट आप ये बताएं सर, मैं 5 लोग से अभी इलेक्शन का वीसी है। देखो सबसे सभी लोग बात नहीं सुनने हो सकती, प्रतिनिधिमंडल होता पदाधिकारी बात के लिए होता। बात यह है कि देखो यहाँ मेरा चैम्बर है और जो चीज वास्तव में है भी नहीं वो वापस आपका दो घंटा भर में हम सुन लीजिए सर, वो आ जाएगा घंटा दो घंटा में घर आ जाएगा, मेरे सामने ले आएगा, मैं कप्तान साहब से बात भी कर लेता हूँ, बात खत्म होगी। हमारा सिर्फ एक बात, हम लोग बैठे हैं, हमारा कहना है कि कल से उसको ले गए, किस नियम के तहत ले गए, आपको लगता है कि ये सही है? आपका कर्मचारी आप उसके मेरा सबसे पहले परिवार का सदस्य है, बस यही आक्रोश है हम लोग के अंदर। मैं गलत कुछ नहीं होने दूंगा, हमारे कल से बैठाए गलत नहीं है, पूरी रात बैठाए मैं बात कर लेता हूँ। और उन्होंने तकलीफ सिर्फ यही है कि आप उसको समझ नहीं रहे, उनका कहना भी कि हमारा उससे कोई उद्देश्य नहीं है। क्यों बैठाया? रुको, ये होता है कि उनको जिन लोगों ने किया है उनकी जानकारी जुटाने पूरा कर्मचारी उनका सहयोग के लिए तैयार हूँ, बात तो करें। परिवार का कर्मचारी उसको क्यों बैठाया? अगर ये पुलिस तो अपने मन की करेगी, 5 लोग से बात नहीं हो सकती, 10 से बात नहीं हो सकती। बिल्कुल सही है, आप देखो ये ठीक नहीं लग रहा, हम आपके साथ हैं, लेकिन ऐसा ना करो कि फिर हमको भी लगे कि कर्मचारी हमारा नहीं सुनता। नहीं, आपकी कैसे सुनेगा आप बताओ ना, कैसे सुनेगा जब आपका आदमी उठा के पुलिस वाला कल शाम से बैठाया है? किसके लिए बात की? गलत बात, ले गई बिना किसी मामले में वांछित हुए ले गई और आज तक छोड़ी नहीं। हम लोगों ने नगर में स्टेट से भी कहा, एडीएम सिटी से भी कहा, डीएम साहब से भी कहा, तो डीएम साहब ने कहा कि ठीक है बात कर लेंगे, और हमारे कुछ लंबित मांगे थी उस विषय में भी हमने चर्चा किया, तो उन्होंने कहा अपनी तहसील छूटो तुम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे। कर्मचारी की अस्मिता का सवाल है यहाँ पे, कर्मचारी हमारा पुलिस अनावश्यक रूप से पकड़ के ले जा रही है और हमारे अधिकारी उसको उसमें बात करने के बजाय कर्मचारियों के साथ ही बदतमीजी कर रहे हैं, जिस कारण से धमकी दे रहे हैं, जिस कारण से हम लोग क्षुब्ध होकर हड़ताल पे जाने के लिए बाध्य हो गए। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी हमारे उच्च अधिकारियों की है, इस हड़ताल की संपूर्ण जिम्मेदारी जिलाधिकारी की, क्योंकि उनके द्वारा सभी कर्मचारियों से सभी अधिकारियों से बदतमीजी प्रायः की जाती है, कर्मचारी कितना बर्दाश्त करेंगे। इन स्थितियों में हम लोग पूर्ण रूप से हड़ताल पे रहेंगे और जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाएंगी, जब तक हमारे कर्मचारी को छोड़ा नहीं जाएगा और उसकी गलती की माफ़ी नहीं मांगी जाएगी, तब तक हम लोग हड़ताल पे रहेंगे। कर्मचारियों के हित की बात है, उनकी अस्मिता की बात है, तो हम सब एक हैं, कोई कहीं से अलग नहीं है। जहाँ उनके हक की लड़ाई होगी, जहाँ उनके साथ जाती होगी, तो सारे कर्मचारी एक हैं, एक रहेंगे। अभी तो शुरुआत है, अभी आगे आगे देखिएगा, अदर जिलों में भी सब इकट्ठे हो जाएंगे, केवल समझने की बात है। अभी भी अगर समझ में नहीं आता प्रशासन को तो ये उनकी भूल साबित होगी। कर्मचारी साथ हैं, हम लोग हैं सफाई जो कि कर्मचारी जो है चपरासी के पूरे हैं, दासी और मुख्यालय के सभी कर्मचारी समर्थन में। चतुर्थोड़ी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हैं आप? चतुर्थोड़ी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हैं राजेश? साथ में समर्थन है ये हमारे तहसील सदर के हैं। आइए।